हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार। आज मैं आप लोगों को कटाप के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि मेरी बात एकदम सही निकलेगी, है ना। लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका बनाने का उद्देश्य क्या है? उसका बनाने का उद्देश्य ये है कि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ। कुछ लोगों ने, मैंने जो पुराने वीडियो बनाए थे उस पर कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, कुछ लोगों ने बहुत बुरा कमेंट किया। जो बुरा कमेंट किए वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। तो क्या अगर 90 मेरिट गई और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिनका हो गया तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि मेरी बात सही हो गई। और अगर 90 से ज़्यादा चली गई, मतलब 91 चली गई, 92 चली गई या 93 चली गई मेरिट, तो क्या हमारा सर्वे गलत है? अरे 90 मैंने बताया है तो हो सकता है 85 ही जाए, या हो सकता है कि 95 चली जाए। दो चार क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो बात यहाँ नहीं है, बात ये है, बात इस मसले की है कि आप लोग तैयारी मेंस की कर रहे हैं कि नहीं। और अगर आपका 90 के आसपास है, 90 से एक दो क्वेश्चन कम है या फिर एक दो क्वेश्चन अधिक है, तो अधिक तो एक दो क्वेश्चन हो या फिर बहुत ज़्यादा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 90 के पास भी आप हैं तो आप मेंस की तैयारी क्यों करें, ये मैं बताने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके बाद आप जो कमेंट करना चाहते हैं, अपने सुझाव हमारे पास पहुंचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अच्छे से इसको गहराई से समझने की कोशिश करिए कि लोअर पीसीएस मेंस का जो सिलेबस है वो क्या कुछ अलग सिलेबस है। इसमें 25 प्रश्न हिंदी का आएगा, 25 प्रश्न रीजनिंग की आएगी, मैथ और साइंस का मिला के 75 प्रश्न रहेगा और जीएस का 75 प्रश्न। अब कितने नंबर का होगा इस पर छोड़िए, बात यहाँ पर सिलेबस की है। आप लोगों ने जो लोअर पीसीएस की प्री परीक्षा दिया है उसमें 25 प्रश्न हिंदी का आया था। अगर भविष्य में कोई परीक्षा होगी लेखपाल की, जाहिर सी बात है कि भर जगह खाली है तो होगी ही, तो उसमें भी 25 प्रश्न हिंदी के आएंगे। तो अगर आप आज से ही मेंस की तैयारी कर रहे हो और मान लीजिए कि आपका 91 क्वेश्चन सही है लोअर पीसीएस की प्री में और मेरिट चली गई 92, आपका नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। या फिर जिनका 92 क्वेश्चन सही है और सिलेक्शन हो गया मेंस के लिए, तो इसका मतलब वो बहुत 30 मार्क खा है, ऐसा कुछ नहीं है। दो चार प्रश्न अगर कम ज़्यादा किसी का रहता है तो वो ना ही विद्वान माना जाता है और ना ही कमज़ोर माना जाता है। तो अगर आपका एक दो क्वेश्चन से नहीं भी हो पाता है ना, तब भी आप मानिए कि आप मेंस क्वालिफाई कर गए हैं। और आपने उसके दरम्यान ये जो तैयारी किया है मेंस की, हिंदी 25 क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि मतलब ऐसा सोचे थे कि 25 प्रश्न आएगा हम परीक्षा देंगे तो, लेकिन आप परीक्षा दे नहीं पाए क्योंकि आपका एक दो क्वेश्चन कम रह गया। तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी तब तक हो गई रहेगी हिंदी की कि कोई भी परीक्षा अगर लेखपाल की या जिसकी भी आएगी, आप उसका हिंदी हो सकता है कि पूरा का पूरा कर लें। रीजनिंग पूरा का पूरा कर सकते हैं ना, क्योंकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मेंस की तैयारी बहुत प्री की तैयारी से बहुत स्पेशल तैयारी होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप दिमाग में ये बना लिए कि मेरा 90 के आसपास है, भगवान करें कि हो जाए, और अगर नहीं भी हुआ तो ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये सिर्फ मेहनत मेरी मेंस के लिए नहीं है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए है, क्योंकि इसका सिलेबस कोई अलग नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखकर पढ़ाई करिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें सदा जीना है, पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें सदा जीना है, और जियो ऐसे कि जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है। तो आप जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ आगामी परीक्षा के लिए नहीं होती, वो जीवन में किसी भी परीक्षा के लिए होती है, और कभी न कभी उसका इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने एक प्रश्न देखा होगा लोअर पीसीएस की जो पहले शिफ्ट में पेपर में था, पहले शिफ्ट में, उसमें एक प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया। जरा सोचिए ये कितना सरल प्रश्न है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 70% लोगों ने इसे गलत किया है, जबकि हर किताब में है। क्यों गलत किए हैं? क्योंकि इस पर लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कभी आया नहीं था। लेकिन जो पहले से पढ़ा रहा होगा व्यक्ति, ये सोच करके कि चलो ठीक है सरल है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो आएगा एग्जाम में, नहीं भी आएगा तो मैं अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ, तो उसका सही हुआ होगा कि नहीं? बिल्कुल सही हुआ होगा। जीएस के जो 75 प्रश्न हैं,
आप जब मेंस के हिसाब से तैयारी करोगे तो जीएस आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप दूसरे के भरमावे में मत आइए कि 110 क्वेश्चन सही होगा तभी हो मेरिट में आपका नाम आएगा या 120 होगा तभी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 110 क्वेश्चन करके आए हैं और बहुत अधिक लोग हैं जो 80 से 95 के बीच में हैं। बहुत सारे चैनलों ने सर्वे भी किया है, हमने तो सर्वे नहीं किया, उन्हीं को देखकर बता रहे हैं। बहुत लोगों ने सर्वे किया है और उसमें ये आया है कि बहुत ज़्यादा बच्चे 80 से लेकर के 95 के बीच में हैं। तो अगर मान लीजिए किसी का 95 सही हुआ है, 95 सही हुआ है, तो इसका डबल कर दीजिए, 2 5 10, 2 9 18 19, 190 नंबर हुआ। और हमने क्या बताया है कि 180 नंबर आप जनरल में अगर हैं, अगर आपका 180 नंबर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। आप ये सोच करके बैठे हुए हैं कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं, अगर हो सकता है कि मेरिट 90 ही जाए या 88 ही चली जाए और आपका हो जाए, लेकिन आपने तैयारी नहीं किया है, तो ज़रा सोचिए कि आप पर क्या गुजरेगी उस समय, किस तरह जिएंगे आप, फिर क्या सोचेंगे, क्या कर लेंगे 2 महीने में, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पछतावा होगा। और अगर आप तैयारी अभी से कर रहे हैं और अगर आपका प्री निकल गया तो आपको बहुत खुशी होगी और आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। और बाय द वे मान लीजिए कि एक दो क्वेश्चन से आप चूक जाते हैं, नहीं हो पाता है, तो ये जो मेहनत आप कर रहे हो, मैंने फिर से बताया कि ये जो सिलेबस है ये आपका बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस ही ऐसा है जो सभी परीक्षाओं में है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप अगर 90 क्वेश्चन करके आए हैं, 95 क्वेश्चन करके आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर 90 के भी पास हैं, 88 है, 90 है, 92 है, तो आप सब कुछ भूल करके मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए। और मैं 100% कह रहा हूँ, मैं अपने पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। देखिएगा।